हेलो गाइस, आपने क्या कभी मखाना खाया है? तो आप सभी कहेंगे हाँ, मखाना तो हम सभी ने खाया है, क्योंकि इसका स्वाद ही कुछ ऐसा है कि मखाना को खाए हुए बिना कोई कैसे रह सकता है। लेकिन अगर मैं वहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप जानते हैं कि मखाने का पौधा किस तरह से लगता है देखने में, मखाना आखिर होता कैसे है और इसका बनने का क्या प्रोसेस है, तो आप क्या कहेंगे? अगर आप जानना चाहते हैं कि मखाना किस तरह से बनाया जाता है, भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर मखाने का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, और इसके बारे में और कई चीजें इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं सुचित्रा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज अनबॉक्सिंग बाय सुचित्रा। तो चलिए आज के वीडियो में फिर से कुछ नया जानते। मखाना खाना किसे पसंद नहीं होगा? तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग ये जान लेते हैं कि मखाना का पौधा होता कैसा है देखने में, कहाँ उगाया जाता है मखाना, और भारत में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन कहाँ होता है, और क्या प्रोसेस है मखाना बनाने में। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। मखाना जिस पौधे से प्राप्त किया जाता है उसका नाम प्रिकली वाटर लिली है। उसे यूरियल फेरोक्स के नाम से भी जाना जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मखाना कमल गट्टे के पौधे से आता है, उसके बीज से मखाने को तैयार किया जाता है, बल्कि ऐसा नहीं है। मखाने का पौधा अलग होता है और कमल गट्टे का पौधा अलग होता है। मखाने का जो पौधा है उसके जो लीव्स होते हैं वो आपको कटीले नजर आएंगे, लेकिन कमल गट्टे का जो पौधा होता है उसके जो लीव्स होते हैं वो आपको स्मूथ से दिखाई देंगे। कमल गट्टे का जो फ्लावर होता है वो अधिकतर पिंक कलर का पाया जाता है, लेकिन मखाने का जो फ्लावर होता है वो आपको बैंगनी कलर मतलब कि पर्पल कलर का नजर आएगा। लोटस प्लांट का फ्रूट और मखाना का जो फ्रूट होता है वो दोनों अलग से होते हैं देखने में। लोटस का जो फ्रूट होता है वो आपको अम्ब्रेले के शेप में नज़र आएगा और उसके अंदर सीड्स होते हैं और उसमें कांटे नहीं पाए जाते, लेकिन जो मखाने का जो फ्रूट होता है, जो रो मखाना फ्रूट होता है, उसके चारों तरफ कांटे लगे रहते हैं। तो अब आप सभी जानते हैं कि यह मखाना किसी लोटस प्लांट से नहीं बल्कि प्रिकली वाटर लिली के प्लांट से आता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इन दोनों के बारे में डिफरेंस बताना बहुत ही जरूरी था। तो अब चलिए और ढेर सारी चीजें मखाना के बारे में जानते हैं। मखाना एक ऐसे पौधे से प्राप्त होता है जो कि पानी में पाया जाता है। जी हाँ, और मखाना उसी प्लांट के सीड से ही प्राप्त किया जाता है। उस सीड के अंदर सफ़ेद वाला हिस्सा ही खाने के प्रयोग में लाया जाता है। मखाने का पौधा जमीन पर नहीं बल्कि तालाब, झील, दलदली क्षेत्र में उगाया जाता है। इसके पौधे आप सभी को कमल के पौधे की तरह देखने में लग सकते हैं। इसके पौधे कांटेदार होते हैं। तो अभी तक की वीडियो में आप सभी को ये पता चल गया होगा कि मखाने का पौधा कौन सा होता है और कैसा लगता है देखने में। अब ये जान लेते हैं कि भारत में मखाने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट करता है। जी हाँ, भारत में मखाना 90% बिहार राज्य से प्राप्त होता है। बिहार में मिथिला के दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार आदि जिलों में मखाने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। मखाना कई नामों से जाना जाता है, जैसे लावा, फॉक्स नट, मेवा, तालम खाना इत्यादि। तो अब चलिए जान लेते हैं मखाना बनाने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले मखाने के पौधे में से उसके फल तोड़ लिए जाते हैं और उसके बाद उस फल में से बीज को निकाला जाता है। इसके पश्चात बीजों को अच्छी तरीके से पानी से धोया जाता है ताकि उसमें अगर कोई भी गंदगी या फिर कीचड़ लगी हुई हो तो अच्छे तरीके से साफ हो पाए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया था कि इसके पौधे दलदल, झील और तालाब में पाए जाते हैं, इसलिए इसे साफ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। फिर इन बीजों को ज़मीन पर रगड़कर रोल करके इनके बीजों को स्मूथ किया जाता है।
उसके बाद इन बीजों को धूप में सुखाया जाता है ताकि इसमें जो मॉइस्चर होता है वो निकल पाए। फिर इसे गर्म रेत, जिसे बालू भी बोलते हैं, उसमें भून लिया जाता है और भूनने के पश्चात इस बीजों को लोहे की थापी से मारकर उसके जो काले छिलके हैं उसे फोड़ लिया जाता है और अंदर जो सफ़ेद वाला जो हिस्सा होता है उसे निकाल लिया जाता है और इस सफ़ेद हिस्से को ही हम लोग खाते हैं और इसी को हम लोग मखाना के नाम से जानते हैं। ये सारे स्टेप से गुजरने के बाद मखाने को फिर से एक बार उसके शेप, उसके साइज और क्वालिटी की अकॉर्डिंग उसे फिर से कैटेगराइज किया जाता है और फिर इसे पैकिंग के लिए भेजा जाता है। पैकिंग के बाद फिर इसे मार्केट में सप्लाई किया जाता है। मखाना को तैयार करने में काफ़ी समय और मैन पावर लगता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो में कि मखाने के पौधे में कांटे लगे होते हैं और इसका पौधा दलदल, झील और तालाब में पाया जाता है। अब जो मैं बताने वाली हूँ शायद ही आपको पता होगा, आप सभी को जानकर बहुत ही खुशी होगी कि भारत सरकार ने मखाने का रिसर्च सेंटर भी खोला है जिसका नाम है रिसर्च सेंटर फॉर मखाना। हिंदी में इस रिसर्च सेंटर का नाम है मखाना अनुसंधान केंद्र, जो कि ICAR के अंतर्गत आता है और यह रिसर्च सेंटर बिहार स्टेट के दरभंगा जिले में है। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जिस मखाने का इस्तेमाल हम लोग पूजा पाठ में करते हैं, खीर बनाने में प्रयोग करते हैं, लड्डू बनाते हैं या फिर स्नैक्स के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, आखिर इसके खाने से क्या क्या फायदा होता है वो भी जान लेते हैं। मखाने में भरपूर न्यूट्रिएंट पाया जाता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें मखाने में पाए जाते हैं और मखाने के सेवन से डायबिटीज़ में बहुत ही इम्प्रूवमेंट होता है। अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है तो उसमें भी बहुत ही फ़ायदा करता है यह मखाना और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि मखाना का पौधा दिखता कैसा है, मखाना कहाँ उगाया जाता है, मखाने का प्रोडक्शन भारत में कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा करता है, मखाना खाने का क्या फ़ायदा है, मखाना किस तरह से बनाया जाता है, क्या प्रोसेस है वो भी हम लोगों ने जाना और साथ ही साथ में हम लोगों ने ये जाना कि भारत में मखाने का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। तो आज ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में जानी है। तो देखा फ्रेंड्स, इस मखाने के बारे में हम लोगों ने आज कितना कुछ जाना। तो अगर आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो में कुछ अच्छा बताया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं सुचित्रा आप सभी लोगों से इजाजत चाहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।